चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। अरे बड़े भी बनाओ तेरे बा, हमने भी सीख लिया फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कोई चल रहा ये भी छुट्टा नहीं लग रहा ये भी बजी कमाई तो इसमें है ही नहीं है अपना नु है जहाँ हमना सीख रहा क्या बड़े करते आ रहे बस अपना हम भी बना रहे इब दोस्त बिके दोस्त में नु लगा लो तम 3 महीने का 10,000 की कमाई 10,000 कमाई 10,000 रुपये में हो के रहा जैसा कि मान लो भाई करवा चौथ था उसमें स्टील के करवे आ गए हुई थी वो भी स्टील की आ गई चाय पीने के गिलास आ गए चाइनीज सोदा आ गया सब तो फिर इनकी मांग नहीं रही कहीं जो बिजली से चलती है मशीन उसको खरीदने का सोचा है। हाँ जी जैसा हम आते बना रहे थे तो हमें पता लग गया दिल्ली चाक मिले तो हमने यहाँ बुझा वही 5,000 रुपये का चाक बता दे 5,000 रुपये हमारे पास वो नहीं चाक हुआ गए सरकार भी तो फ्री में दे रही है योजना के तो। हाँ जी वो लगे आप तक सरकार दे रही और उसमें कितने का कच्चा 10 दिन का में इंटरव्यू भी दे ये वैसे टाइम है वो हो गया वैसे टाइम आए बाकी आदमी ने भी सोचा है 2 रुपये का हल्ला नहीं कर ले मतलब जी सारे परिवार मंडे एक बना रहा एक धूम में धर रहा एक छा में धर रहा इसमें तो सारे में लगे ही रह रहा बस विजयपाल जी के साथ क्या क्या काम करते हो जी। मिट्टी करके देते हैं उन्हें उनके नाम के जैसे वे बर्तन उतारते हैं तो उन्हें घर में रखना है उसके बाद उन्हें घर में रखने के बाद ढकना भी है। तो देसी घी देख ले 800 रुपए किलो हो रहा। जो बर्तन बना रहे वो भी चाइनीज शुद्ध आ रहे हैं इसकी वजह से और भी काम लॉस हो रहा है बन नहीं पा रहे
सब कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें बढ़िया सा डिजाइन बना करके दिखाओ। पहले तो मिट्टी नहीं मिलती है, तो बनाएंगे कहाँ से। तो ये है आपकी जगह, तो मट्टी कब खोदने आते थे यहाँ पे? मट्टी जी यहाँ हमारे बड़े बना रहे थे, मैं खोद कर रहे थे, तो फिर यहाँ बोन लगे थे सर, बोने के बाद में फिर यहाँ गौशाला बन गई इसमें। अच्छा, और जो बनूंगा है उसमें तालाब बनवा दिया। अच्छा, दूसरी भी जमीन थी? हाँ जी, दूसरी भी है। तो ये कितनी दूर पड़ती थी घर से? या 4 किलोमीटर पड़े जी। तो आप मट्टी लेने कहाँ जाते हो? तो जी दूसरी जगह जाना पड़े, 25-30 किलोमीटर पर लानी पड़े। जब इस काम का सीजन खत्म हो जाता है तो फिर क्या काम करते हो? बस जी फिर तो यू ही रह जा, बस घास घूस का डांगर का कर ले। और पहले तो नहीं थे, पशु भी थे, चल भाई भट्टे पे भी कर लेते, पशु भी नहीं रहे। तो अब कहाँ गए हो? घोड़ा भी जी बेच दिया, फिर पीछे रहे नहीं तो वो बेच गया, घर का तो काम चलाना ही पड़ेगा। फिर जा फिर लिए नहीं कहा तो आपके हिसाब से इस रोजगार को और कला को बचाने के लिए सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? देखो जी, सरकार जैसा के वो पन्नी बंद करेगी, और ये जहाँ डिस्पोजन के जो गिलास हुए, प्लेट हुई, ये अगर गिलास ही बंद कर दे तो जब भी कुछ ना कुछ डिमांड आ जाएगी, बिका के हम भी बनावें, जब कोई मांग रही नहीं इनकी, तो उस कारण के बस काम बंद होते ही जाना। दवा के चप्पल को तो चप्पल।